कल तक जो हमारी खुशी थी, जो सातवें आसमान पर हमारी कल तक खुशी थी, आज अचानक ही सुबह ही ये खबरें आती हैं कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो ये हमारे लिए बड़ी दुखदायी घटना है। विनेश फोगाट जैसी एक महान खिलाड़ी जिसने इतना संघर्ष करके ओलंपिक में अपनी जगह बनाई और उस खिलाड़ी को हराया जिसको ओलंपिक में लगातार जो चैंपियन रही और एक महान खिलाड़ी रही, उस खिलाड़ी को हराया, तो ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। आज विनेश फोगाट जी को अयोग्य घोषित किया, मैं कहता हूँ कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। हमें आप पर गर्व है, पूरा देश आप पर आज गर्व कर रहा है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करूंगा कि सर आप इसमें देश की तरफ से एक अपील करके विनेश फोगाट जी को एक राहत दिलवाने का काम करें, ताकि जो मायूसी पूरे देश में छाई है उस मायूसी को ख़त्म किया जा सके। पूरे देश को झटका है आज, मुझे लगता है कि जब ये खबर आई किसी के मुंह से रोटी का निवाला शायद नीचे नहीं गया होगा। तो ये सबसे बड़ी दुखद घटना है और इस घटना को हम भुला नहीं सकते, और ऐसे महान खिलाड़ी के साथ आज पूरा देश खड़ा है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है विनेश फोगाट जी, आप हमारी बहन हैं, आप देश की बेटी हैं, आप हमारी आस हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा।